माता जी दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आपके अपने चैनल खाना मुस्कुराना में आप लोग का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही पौष्टिक मूंग दाल पिज्जा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूंग दाल पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले ये बिना छिलके वाला मूंग का दाल है, इसको 2 से 3 घंटा भिगो दिए थे, ये अच्छे से पूरा फूल गया है, ये देखिए। अब इसको जो है एक मिक्सी की जार में रख करके हल्का दरदरा इसको पीसेंगे। पहले इसको पूरा हम पलट लेंगे। इसको मिक्सी में पूरा पलट लिए दाल को। अब इसमें जो है 1 इंच अदरक का टुकड़ा इस तरह से इसको छील के अच्छे से धो करके इसको इस तरह से रफली काट के डाल देंगे। 2 हरी मिर्च इसको भी अच्छे से धो करके इस तरह से कट करके इसमें डाल देंगे। स्वादानुसार नमक डाल देंगे और पानी इस छोटी कटोरी से 2 से 3 चम्मच डाल के पानी इसको हल्का दरदरा पीस लेंगे। दाल को पीस लिए अच्छी तरह, ये देखिए, ये इस तरह से हल्का दरदरा है, ये देखिए पूरा दाना दाना दिख रहा है। अब इसको एक बाउल में खाली कर लेंगे। पेस्ट पूरा खाली कर लिए हैं, ये बहुत ही गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा पानी और डाल के मिक्सी की जाल में और इसको इस तरह से हिलाते हुए इसमें डाल देंगे। बहुत पतला भी नहीं करना है इसको, बस इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे। अब इसको जो है की सहायता से खूब अच्छे से इसको फेंट लेंगे। ये पूरी अच्छी तरह से फिट गया है, पेस्ट इतना ही गाढ़ा रहेगा, ये देखिए। अब इसको जो है 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक इसमें कुछ सब्जियां ऐड करेंगे, उसको दिखा दे रहे हैं। सब्जी में 1/2 शिमला मिर्चा इसको अच्छे से धो करके इस तरह से लंबे पीस में पतला पतला कट कर लिए हैं। 1/2 गाजर है लाल वाला, इसको मोटे कद्दूकस से इस तरह से कद्दूकस कर लिए। चुकंदर है, इसको कद्दूकस से पतला पतला पीस काट लिए हैं। पत्ता गोभी है जो इस तरह से लंबे लंबे काटे हैं। 1/2 टमाटर इसको भी अच्छे से धो करके इस तरह से काटे। और ये पनीर है, इसको भी पतले में लंबे में इस तरह से कट कर लिए। अब चलिए, अपने पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, गोभी है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप डाल सकते हैं। सब्जियां पूरी तरह से रेडी हैं। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं, बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले ये बैटर में थोड़ा सा खाने वाला सोडा मिला देंगे इस तरह से। अब इसको पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब बनाएंगे उसी समय ये सोडा मिलाएंगे, पहले मिलाएंगे तो फिर उससे फूलेगा नहीं। गैस पे तावा रख दिए हैं, तावा भी हल्का हल्का गर्म हो गया है, बहुत हाई नहीं गर्म रहना चाहिए, हल्का हल्का गर्म रहना चाहिए। और आंच को एकदम मीडियम कर देंगे। इस पे हल्का सा जो है बटर चाहे घी जो भी आप लगा सकते हैं, इस तरह से। अब इस बैटर को जो है इस पे डाल देंगे। अब इसको जो है धीरे धीरे थोड़ा सा फैला देंगे, बहुत पतला नहीं फैलाएंगे, बस हल्का सा। ये बस इतना ही बड़ा फैलाना है, बहुत पतला नहीं, बहुत मोटा भी नहीं। और आंच को एकदम मीडियम ही रखेंगे। अब इस पे जो है ये जो सब्जी काटे थे इसको इस तरह से इस पे लगा देंगे।
देखने में ये कितना कलरफुल लग रहा है। इस पे टमाटर भी लगा देंगे। आप इस पे बीन्स भी लगा सकते हैं अच्छे से। अब ये पनीर लगा देंगे इस तरह से। पत्ता गोभी, सब्जियां आप अपने पसंद की जो भी आपको पसंद लगे वो आप लगा सकते हैं। अब इसको जो है एक पलटे की सहायता से हल्का हल्का दबा देंगे ताकि सब्जियां जो है इसमें एकदम दब जाए। इस तरह से हल्का हल्का एकदम दबा दीजिए। अब इसको जो है एकदम मीडियम आंच पे ढक देंगे 5 से 6 मिनट तक। चलिए इसको देख लेते हैं। ये नीचे से सूख गया है। अब इसके ऊपर जो है हल्का सा आयल लगा देते हैं। अब इसको जो है धीरे से एकदम पलट लेते हैं। देखिए पूरा गोल्डन लाल हो गया है। अब इसको भी ढक देंगे। अब देख लेते हैं दूसरी साइड की तरफ पका कि नहीं। अब इसको जो एक प्लेट से इस तरह से करके ढक के और तावा को इस तरह से पलट के ये देखिए पूरी अच्छी तरह से ये पक चुका है। अब इसको जो है सर्व करते हैं। अब इसके ऊपर जो है हल्का सा ऑरेगानो छिड़क देंगे, पिज्जा चिल्ली छिड़क देंगे हल्का सा और इसको अब कट कर देंगे। ये बहुत ही हेल्दी है, बच्चे भी इसको मनपसंद से खाएंगे। एक बार बनाएंगे बार बार बनाएंगे और ये बहुत ही हेल्दी होता है और एकदम पिज्जा की तरह ये है। अब इसको एक प्लेट में सर्व करते हैं। ये देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। जितना सुंदर देखने में लगता है उतना ही ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। आप इसको अपने घर पे बना करके जरूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।